लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। पिछले 20 साल से एक घर में बंद 50 साल की एक महिला को गोवा की एक एनजीओ ने पुलिस की हेल्प से रिकवर किया है। महिला मानसिक रूप से बीमार थी और उसे एक अंधेरे कमरे में बंद करके रखा गया था। पुलिस ने एनजीओ की शिकायत पर महिला के परिजनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामला पणजी के पास स्थित कैंडोलिम गांव का है। महिला का नाम सुनीता वेरलेकर है। सुनीता के भाई मोहनदास वेरलेकर के मुताबिक उसकी शादी मुंबई में हुई थी, लेकिन जैसे ही उसे यह पता चला कि उसका पति पहले से शादीशुदा था तो वे घर वापस लौट आई। इस घटना के बाद ही महिला का बर्ताव अबनॉर्मल हो गया था, जिसके बाद उसे कमरे में बंद करके रखा गया था। इसे खिड़की के रास्ते खाना पानी दिया जाता था। सुनीता को रेस्क्यू कराने के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। गोवा की एक एनजीओ बैलमंचो ने इस महिला को उसके ही घर से रिकवर किया है। एनजीओ को मिलकर इस महिला की कमरे में बंद होने की जानकारी दी गई थी। एनजीओ ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस स्टेशन की एक टीम ने घर पर रेड की। रेड कर पुलिस जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो महिला को नग्न अवस्था में पाया गया। वह कमरे से बाहर निकलने के लिए भी तैयार नहीं हो रही थी। पुलिस के मुताबिक महिला को लगभग 20 साल तक उस कमरे में बंद करके रखा गया था। पुलिस ने अभी इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। जांच अभी शुरुआती स्टेज में और महिला और उसके परिजनों के बयान लिए जा चुके हैं।